नमस्कार, बोल के अब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। 378 दिनों का आंदोलन आसान नहीं होता दोस्तों। गर्मी के बीच, सर्दी के बीच, बारिश के बीच गोदी मीडिया द्वारा घिनौने, घटिया और निचले स्तर के प्रोपेगेंडा के बीच, सरकार के तमाम संस्थाओं द्वारा दबाव के बीच ये लोग आंदोलन कर रहे थे। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। जो लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे दोस्तों, उनमें इतनी भी शर्म नहीं थी और वो इस बुजुर्ग महिला को भी बदनाम कर रहे थे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बताया ये जा रहा था कि ये बुजुर्ग महिला शाहीन बाग में भी मौजूद थी और वहां बिरयानी खा रही थी। बाद में ये बुजुर्ग महिला सामने आई और कंगना रनावत को पाठ पढ़ाया उसने। इस तरह से दोस्तों किसानों को टारगेट किया गया है। 700 किसानों की मौत एक छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो 166 लोग मारे गए थे। इस सरकार ने ऐसा बर्ताव किया मानो इस आंकड़े के कोई मायने नहीं है। इसलिए आज उस किसान में खुशी अपने आप देखने लायक थी। देखिए आज किस तरह से वो भंगड़ा पा रहा है। यह तस्वीर उसके जीत की है। सलाम हमारे किसानों को, देखिए। दोस्तों जश्न की कोई सीमा नहीं है। खबर जो है वो ये है कि 11 दिसंबर को अब किसान सिंघू बॉर्डर से अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू करेंगे, मगर यह आंदोलन सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर सरकार अपने मुद्दों पर कायम नहीं रहती तो 15 जनवरी को किसान मोर्चा है फिर इसका रिव्यू करेगा, और अगर कुछ बदमाशी सरकार करती है तो यकीनन जो है संयुक्त किसान मोर्चा यह आंदोलन फिर से शुरू कर सकता है। आज सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर गीत गाए जा रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे, और वो किस तरह से किया गया दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस अद्भुत नजारे को देखें। मेरे सहयोगी रवि कौशल वहां मौजूद थे और वहां से उन्होंने हमें यह रिपोर्ट भेजी है, देखिए। आज किसान आंदोलन की बड़ी जीत हुई है। हमारे पीछे जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, अभिमन्यु कोहार हैं और तमाम संगठनों के नेता जो हैं आज यहां पे एक अपनी फतेह मार्च निकाल रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार ने अमूमन किसान आंदोलन की सभी मांगे मान ली हैं। उसने माना है कि वो राज्य सरकारों को चिट्ठियां लिखेगी और राज्य सरकारों से कहेगी कि वो केस वापस लिए जाएं। उसने माना है कि वो MSP पे कमेटी बनाएगी और उसमें किसानों की चिंताएं जो हैं उनका समाधान किया जाएगा। उसने माना है कि वो राज्य सरकारों को बोलेगी कि उनके लिए मुआवजे जैसा कोई प्रावधान किया जाए। आज किसान एक साल के लंबे संघर्ष के बाद जीते हैं। याद रखिए कि ये संघर्ष 700 किसानों की शहादत के बाद और तमाम तरीके की तोहमतें सहने के बाद हासिल हुई। शुक्रिया दोस्तों। आज जब इस आंदोलन को खत्म किया गया तो राकेश टिकैत भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, योगेंद्र यादव भी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी। मैं चाहूंगा कि आप सुने कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कह रहे हैं। बहुत अहम बात कही है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हमने एक अहंकारी, एक तानाशाही सरकार को झुका दिया है, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये सरकार ये सोचती है कि हम बदमाशी कर सकते हैं तो गलत फहमी में ना रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह क्या रहे हैं सुनिए। पर ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी।
क्यों मायने रखती है गुरु नानक सिंह चढ़ोनी की बात? वो इसलिए मायने रखती है क्योंकि किसानों ने इस देश को उम्मीद दी है। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में जैसे कोई आंदोलन करता है उसके नाम के साथ देशद्रोही जोड़ दिया जाता है, नक्सलवादी बता दिया जाता है, आतंकवादी बता दिया जाता है। यही सब किसानों के साथ हुआ था। वो किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही हरियाणा की सरकार ने सड़क उखाड़ दी थी। आपने ऐसा कहीं देखा है दोस्तों? किसान तो आगे बढ़ रहा था मगर किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर ना पहुंच पाए, हरियाणा सरकार ने सड़क ही उखाड़ दी थी। ऐसा कल्पना से विचित्र हुआ था। और यह शख्स राकेश टिकैत, इनके योगदान को हम इसलिए नहीं भूल सकते दोस्तों क्योंकि राकेश टिकैत ने इस आंदोलन की हवा बदल दी थी। आपको याद होगा वो रात वो शाम जब तमाम न्यूज चैनल्स ने ऐलान कर दिया था कि आंदोलन खत्म, राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए थे। उन आंसुओं का मजाक जरूर उड़ाया गया था क्योंकि उससे पहले हो क्या रहा था मैं आपको बताता हूं। भाजपा समर्थक पहुंचते थे सिंघू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर और देश के गद्दारों को गोली मारो के आरोप नारे लगाते थे। यही नहीं, कई इनके समर्थक सिंघू बॉर्डर के इनके टेंट्स के अंदर घुसकर उनके साथ लड़ाई करते थे, भड़काते थे और फिर पुलिस उन्हीं किसानों को ले जाती थी। मैं चाहूंगा कि आप सुने राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल जो एक दुखद घटना देश के सामने आई, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। तो सरकार ने जो आश्वासन दिया है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। सबसे पहले बिंदु पर गौर कीजिए क्योंकि सरकार ने जो आश्वासन दिया है ना दोस्तों, वो इस लिखित दस्तावेज के तौर पर दिया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस वक्त ये सवाल ये किया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान ने क्यों समझौता कर लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह मुद्दा जो पिछले 60 और 70 सालों से चला आ रहा है, सरकार ने क्या आश्वासन दिया है मैं आपको ध्यान से पढ़वाना चाहूंगा। एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने का घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसान को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति जारी रखी जाएगी। किसानों से सवाल किया जा रहा है, कई किसान कह रहे हैं कि भाई आपको आश्वासन तो मिला नहीं, सरकार कानून तो लाई नहीं। और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ तौर पर कह चुके हैं कि एमएसपी का सवाल ही नहीं होता क्योंकि सरकार वो वित्तीय भार नहीं संभाल पाएगी। मगर बाकायदा जब यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुद्दे पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। आपको याद है? आप भूल गए? फिर सुनिए दोस्तों। मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा, ये संकल्प हमारा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अब जब आप सत्ता में आ गए तो आप हकीकत को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा है हम 15 जनवरी को मामले को फिर से रिव्यू करेंगे और अगर इस सरकार ने कुछ बदमाशी की तो यह आंदोलन फिर से शुरू होगा। आप जानते हैं दोस्तों इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहराना चाहूंगा,
महात्मा गांधी ने इस देश को एक हथियार दिया था जिसका नाम है अहिंसात्मक सत्याग्रह। ये किसान सही मायने में गांधी का वंशज साबित हुआ। मैं जानता हूं कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जो इस आंदोलन पर एक हल्की सी खरोंच मिला रहे थे, मगर हर कहानी के पीछे एक रहस्य बना हुआ था। मसलन वो खबर आपको याद होगी, निहंगों ने एक आदमी का हाथ काट दिया और उसकी हत्या कर दी थी, याद है आपको वो खबर? बाद में पता चला उस आदमी का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वो वहां क्यों पहुंच गया और उसने किस तरह की बेअदबी की, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल बने हुए हैं। हालांकि जिन लोगों ने उसकी हत्या का समर्थन किया, मैंने हमेशा उसका विरोध किया है। अगर किसी ने बेअदबी की भी है तो हिंसा कोई रास्ता नहीं हो सकता, मगर वो मामला भी रहस्यों में घिरा हुआ था। इसी तरह से आपको याद होगा 26 जनवरी को जब लाल किले के अंदर किसान घुस गए थे और मीडिया ये झूठी खबरें चला रहा था कि खालिस्तान के झंडे फहराए गए, तिरंगे का अपमान किया गया, जो शख्स किसानों को वहां ले गया था दीप संधु, वो आखिर कैसे घुसा अंदर, क्यों गया, जबकि किसान नेताओं ने कहा था कि लाल किले जाने की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके वो आदमी गया। और ये वो आदमी है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखाई दिया था, सनी देओल जो कि सांसद है उनके साथ भी दिखाई दिया था और अमित शाह के साथ भी दिखाई दिया था। मगर यकीनन इस आंदोलन का वो निर्णायक मोड़ तब आया था जब प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को अपनी हार को स्वीकार किया था। एक बार फिर दोस्तों मैं उस लम्हे को आपके सामने लाना चाहता हूं, सुनिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मगर अभी भी कुछ मुद्दे बने हुए हैं, मसलन इस केंद्र सरकार में अब भी अजय मिश्रा जो हैं, जिसके बेटे मोनू मिश्रा ने किसानों को रौंद कर मार डाला था, वो अब भी सरकार के अंदर मौजूद है। अजय मिश्रा का सिर्फ बेटा दोषी नहीं, वो खुद आरोपों में घिरे हुए हैं क्योंकि FIR में उनका नाम है और अब भी केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। यही अजय मिश्रा अमित शाह की रैलीज में दिखाई देता है। तो यकीनन ये एक ऐसा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जिसे संबोधित किए जाने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर कोई त्वरित कार्रवाई होगी। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूज क्लिक लगातार इस आंदोलन में किसानों के हक के साथ रहा है, आंदोलन करने के किसान के हक के साथ रहा है, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लगातार इस आंदोलन को बदनाम किया गया मगर किसान इस सरकार के प्रोपेगेंडा पर भारी रहा, आप जानते हैं क्यों? और यह समझना होगा भाजपा के प्रचार तंत्र को भी, क्योंकि जिन प्रचार तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी कर रही थी यानी कि गोदी मीडिया, उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। गोदी मीडिया के जरिए तुम किसानों को टारगेट नहीं कर सकते, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और किसान ने मानो उस गोदी मीडिया को निर्वस्त्र कर दिया था। यह खूबसूरती थी इस आंदोलन की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे किसानों का जिन्होंने इस देश को आंदोलन का रास्ता बतलाया है कि एक ऐसी सरकार जो प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, उसे भी झुकाया जा सकता है। गाना है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार।